नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो मैथ्स क्लास टेंथ चैप्टर 8 सीबीएसई बोर्ड, ये जो है चैप्टर 8 फर्स्ट है हमारे पास। इस चैप्टर एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 8.2 ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, और 8.3 में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है पहले उसके बारे में जो है, फर्स्ट वी हैव टू सी मेन फॉर्मूला ऑफ एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू COT, cot। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये पूरी मेन जो है हमारे पास, दीज फॉर्मूलाज आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.3। एंड नाउ वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल फोर पार्ट हम जो है वी विल स्टडी अबाउट ऑल फोर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में इवेलुएट करना है, मींस आपको इसको सॉल्व करना है। इवेलुएट फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 18 और नीचे आपका कॉस 72। ओके, साइन 18 डिग्री एंड कॉस 72, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये इसको सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू चेंज, किसी एक को चेंज करना है आपको, या तो साइन वाले को चेंज कर लीजिए या कॉस वाले को चेंज कर लीजिए। फर्स्ट वी हैव टू चेंज, हम साइन या कॉस जो है 90 में से कितना माइनस करें कि आपका 18 हो जाए। तो कितना माइनस करेंगे, तो मतलब 72 माइनस करेंगे 19 में से 18 हो जाए। तो 72 जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो नंबर है वही माइनस करेंगे 90 में। तो ये लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 72 और नीचे लिखा हमने कॉस 72। ओके, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 72 है। थीटा इज इक्वल टू 72 और नीचे भी 70 कॉस 72। ओके, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 72 सेम होना चाहिए। जो नीचे नंबर होता है वही 90 में से माइनस करते हो। एक एक का चेंज करना आपको, यू हैव टू चेंज वन नंबर इन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को चेंज कर, या तो इसको भी चेंज करते हो, इसको भी चेंज करते हो। साइन 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, दोनों कैंसिल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, टेन 26 डिवाइड बाय कॉट 64। अभी यू हैव टू कन्वर्ट, ए को चेंज करना, आपको ए को कन्वर्ट करना है, या तो जो है इसको 90 में से माइनस कर लो या इसको कल माइनस कर लो। तो हम क्या करेंगे, आप साइन 10 90 में से कितना माइनस करें कि 26 हो जाए, तो ये जो है 64 माइनस कर देंगे 64। आप देखिए 90 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कैरी लेंगे 10, यहाँ 6, यहाँ जा 8, ये 26 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस 64 ओवर कॉट 64। ओके, अब 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। यूजिंग कौन सा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके,
तो ये आपका चेंज करें, जहाँ टेन माइनस नाइन टेन माइनस थीटा वहाँ आप लिखेंगे सी ओ टी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 64, ओके 64। और नीचे भी क्या है, डिनोमीटर इज 64, डिनोमीटर इज 64। नाउ कैंसिल न्यूमेरेटर डिनोमीटर सेम, न्यूमेरेटर डिनोमीटर सेम, इट्स आंसर ऑल्सो 1। इसका आंसर भी क्या है, 1 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यू हैव टू चेंज, आप एक को चेंज कर लेंगे किसी एक को, यू हैव टू चेंज वन ओनली वन को, एक वन आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 90 में से कितना माइनस करें, यही नंबर माइनस कर सकते हो, तो ये 42 लिख सकते हो आप, 90 में से 42 माइनस करा, ओके। और नेक्स्ट वाले को एक को छोड़ देना आपको, यू हैव टू लीव वन, ओके। अब यूजिंग फॉर्मूला कौन सा यूजिंग है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन थीटा लिख लीजिए, इसकी जगह आप साइन थीटा लिख लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन थीटा। और थीटा इज इक्वल टू क्या है, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ओके। साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया, इट्स आंसर इज 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, ओके। ये कंप्लीट है फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, cos 31 माइनस साइन 59, ओके। दिस क्वेश्चन गिवन, यू हैव टू चेंज एक ही को, इसकी एक को कन्वर्ट कर लीजिए आप, 31 को लिख लिया हमने, 90 माइनस 59 लिख लिया, ओके। 90 में से 59 माइनस करेंगे तो जो है क्या होगा, 31 आएगा, ओके। और ये आएगा sec 59, ओके। और नाउ यूजिंग फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, ओके। तो यहाँ पर यू हैव टू चेंज ये cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 59, थीटा मीन्स 59, हेयर ऑल्सो 59, यहाँ पर भी 59 है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, सो आंसर विल माइनस 1, ओके। दिस क्वेश्चन 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो है, वो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी 8.3 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उससे रिलेटेड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था पेपर में, उसको मैंने उसकी जगह पर ये आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है और जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट था वो मैं लिंक में उसकी जो है लिंक जो है उसका वीडियो लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। 1075, 1057, 1015 एंड 1033 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना आपको, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू डू लेफ्ट हैंड साइड ये साइड है, पूरे ही लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। यू हैव टू सॉल्व दिस 1, ये पूरा सॉल्व करना है आपको, तो 1 निकलना चाहिए। ये हो जाएगा 1075, 1057, 1015, ओके, 1015, 1033, ओके। तो किसी एक को कल चेंज कर लेना है, दो को सेम रहने दें, दो को चेंज कर लीजिए आप। इसको लिखा आपने 10 कितने, 90 माइनस क्या लिखेंगे आप, 90 माइनस 50, पहले वाले को 90 माइनस 15, दूसरे वाले को 90 माइनस 15, सेकेंड जो है 57 है तो ये भी लिखा 10 90 माइनस 33, ओके। और थर्ड है आपका 10 15 और नेक्स्ट है 10 33, ओके। कौन सा फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो आप कॉट थीटा यूज कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा मीन्स 15 डिग्री। और ये मल्टीप्लाई में ये भी
ये भी टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट 33 डिग्री। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है 10 15 डिग्री, नेक्स्ट 10 33 डिग्री। अब ये क्या है, 1/10 टेन कॉट थीटा इज कॉट 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा। ओके, 1/10 थीटा। और ये भी वन, ये ऐसे रहेगा, यू हैव टू सेम लाइक दिस लिख सकते हो आप, यू कैन राइट हियर। एंड नाउ दिस वन कट बाय दिस, दिस वन 10 33 कट बाय दिस 10 जो है 33, एंड आंसर इज 1। ओके, इट्स आर राइट हैंड साइड वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, इट्स आर वेरीफाइड। ये कंप्लीट हुआ आपका, 1 आपको प्रूफ करना था और ये 1 आपका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट मैं cos 40 मल्टीप्लाई cos 50 माइनस sin 50 माइनस मल्टीप्लाई sin 40 इक्वल टू 0 प्रूफ करना आपको। लेफ्ट हैंड साइड है cos 40 cos 50 माइनस साइन 50 साइन 40 मल्टीप्लाई, यू हैव टू चेंज इसमें से या इसको कन्वर्ट करो या इसको कन्वर्ट करो। तो मैं सेकंड वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको लिख लिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 में से कितने माइनस करेंगे, 50 हो जाए, 40 माइनस करेंगे, ये साइन 90 माइनस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, cos 40 cos 50 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 40 cos साइन 90 माइनस थीटा cos 50 डिग्री। ओके, ये 40 है 50 है कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो, आंसर हो गया 0। इट्स आर राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब या बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।